हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक छोटी सी DIY है कि आप अपने पुराने प्लांटर्स को रिन्यू कैसे कर सकते हैं और इनको करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे किया। जो ओल्ड पॉट्स हैं इनको हम रिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इनमें कितने भी सुंदर फूल आ जाएँ लेकिन इनकी सुंदरता निखर के नहीं आती। अगर पॉट्स टाइम टू टाइम रिन्यू होते रहते हैं तो बहुत अच्छे इनके कलर खिल के आते हैं। और दूसरे, ये जो प्लास्टिक वाले हैं पॉट्स, ब्लैक वाले, ये मजबूत होते हैं, इनको भी इतनी जल्दी नहीं फेंकना चाहिए, है ना। लेकिन इनको कलर कर लेना चाहिए, वो इसलिए कि आप सबको पता होगा कि गर्मियों के दिनों में जो काला रंग होता है वो ज़्यादा गर्मी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो जब ज़्यादा गर्मी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट को भी उतनी ही ज़्यादा गर्मी मिलती है। जबकि हम तो गर्मियों में प्लांट्स को बचाते हैं कि इनको ज़्यादा गर्मी ना मिलने पाए, तो इसलिए इनको कलर कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो इस तरह का ये ओल्ड पॉट है, इसको लिया मैंने और इसको पेंट करना है मैंने वाइट कलर से। तो ये वाइट कलर से इस तरह से पेंट हो गया। और इसी तरह से मैंने ब्लैक वाले जो प्लास्टिक पॉट्स हैं उनको पेंट करके इनकी चेंज कर दी है लुक ज़रा, और इनको भी और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने वाली हूँ। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि कैसे कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए ये पेंट के डब्बे, छोटे वाले हैं, ये 50 आपको दिख रहा होगा, 26 रुपीज़ की एक डब्बी आई है। और ये दो तीन कलर के ले लीजिए, इन्हीं से खूब अच्छे हो जाते हैं, जो एशियन पेंट्स या बर्जर जो भी आपको ठीक लगे, है ना। और इसको डायरेक्ट करना है, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं ये कर रही हूँ तो इसमें डायरेक्ट उसमें से लेके ही करते जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सीधा उसमें से लेके और कुछ नहीं करना, कोट करते जाना है। ज़्यादा आपको दिखता है तो आप डबल कोट कर लो। ऐसे ये तो ओल्ड किया हुआ है, इसके ऊपर सिंगल कोट ही सफिशियंट है। मैं करके दिखाती हूँ। कोई गत्ते का पीस लेकर, कोई भी डिस्कार्टेड गत्ते का पीस या कोई भी मोटा डब्बे का वो लेकर, उस पर ही तीन पॉइंट से आप अलग अलग साइज़ के सर्कल्स बना लीजिए और इसको काट लीजिए। इन सर्कल से हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे सर्कल्स, तो सब सर्कल्स अलग अलग शेप के बिल्कुल परफेक्टली राउंड बनेंगे, ठीक है। अब इनमें हम कलर कर लेंगे तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये वाइट बेस है, इसमें मैं रेड कलर का ले रही हूँ। ये फेविक्रिल का ही कलर है, सिंपल जो हम लोग मार्केट में मिलता है, ये पत्रिका है ना। और इसको हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैं पूरा भर के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों तैयार हो गए। इसमें तो आपको दिखाया मैंने गत्ते के पीसेस, मैंने कॉइन्स से नाप के डिज़ाइन बना दिए थे। और इसमें भी 10 रुपीज़ का जो कॉइन होता है उससे बीच के निशान बनाए। और ये जी बीच में आपको छोटी वाली डॉट्स दिख रही हैं, ये सब मैंने जॉनसन्स बेड से बनाए। तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। डॉट्स में ही आपके पास दो डिज़ाइन हो गए हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।